BTS के सभी मेंबर के मिलिट्री में चले जाने के बाद भी हमारे फैंडम में हर दिन हमें BTS की कोई ना कोई अपडेट जरूर देखने को मिलती है। लेकिन मानो कल तो हम सभी आर्मी की कई सालों की विश पूरी हो गई जब बिगेट ने ट्विटर पर ये अपडेट शेयर करी कि BTS कई सालों के बाद अपना कमबैक करने जा रहे हैं। तो कल BTS का ये न्यू टीजर रिलीज हुआ था जो कि मोनोक्रोम नेम से बताया जा रहा है। एंड इस टीजर के साथ बिगेट ने BTS की ये न्यू OT7 फोटो और आर्मी को एक वेबसाइट की लिंक भी दी थी जहां BTS के इस कमबैक से रिलेटेड मिस्ट्री छुपी हुई है। तो दोस्तों आज ये वेबसाइट फिर से अपडेट हुई है और आज इस पर BTS का एक न्यू टीजर शो हो रहा है जहां BTS के सभी मेंबर्स एक साथ है। एंड ये टीजर थोड़ा सा क्राइम सीन के जैसा टीजर लग रहा है। इसके अलावा कई महीनों के बाद आज हमें BTS के सभी मेंबर्स की एक साथ ये OT7 BTS फोटो भी बिगेट की तरफ से देखने को मिली है। तो आर्मी पूरा एक दिन बीत गया है लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला है कि BTS की तरफ से ये कौन सा सरप्राइज और प्रोजेक्ट हम आर्मी के लिए रिलीज होने जा रहा है। एंड बिगेट ने भी अभी तक इस मिस्ट्री से पर्दा नहीं उठाया है। लेकिन बिगेट हम फैंस को और भी ज्यादा एक्साइटेड और एंटरटेन करने के लिए BTS का कुछ ना कुछ नया वीडियो और फोटोज रिलीज करते जा रहे हैं। तो दोस्तों BTS का ये मोनोक्रोम नेम से न्यू प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या आने वाला है अभी तक इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। लेकिन ये जो भी है इसमें हमें सभी मेंबर्स एक साथ देखने को मिलेंगे और ये BTS का OT7 इवेंट है। साथ ही साथ कुछ फैंस का तो कहना है कि ये सभी टीजर BTS के न्यू कमबैक के हैं और बहुत ही जल्द इसी साल BTS का कोई न्यू सॉन्ग या फिर म्यूजिक वीडियो ये सब रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों ये क्या हो सकता है और ये किस चीज का टीजर है ये तो अभी तक नहीं पता है। लेकिन ये जो भी है इसे BTS ने 2021 में बनाया था जब ये लोग एक साथ थे, तो इसीलिए आई थिंक ये पॉसिबल है कि ये टीजर BTS के न्यू सॉन्ग या फिर रिकॉर्डेड कॉन्सर्ट का भी हो सकता है। बाकी BTS का ये न्यू टीजर आपको कैसा लगा एंड आप BTS के इस मिस्ट्री गेम के सच को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो मुझे कमेंट पे जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।